गाइस वेलकम टू आइस पॉइंट, दिस इज अदिति पांडे। सो टुडे वी कंप्लीट आवर पार्ट टू। आज हम अपना पार्ट टू स्टार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के। तो कल आपने पार्ट वन में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स देखे थे वो सारे वन लाइनर्स थे, तो आइए आज कंप्लीट करते हैं। ये आंसर्स थोड़े से बड़े हैं, अगर आप चाहें तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपने नोट्स बना लिए हैं तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, आप इसे रिवाइज कर लीजिए, आप मिला लीजिए कि हाँ ये सारे क्वेश्चन आपके नोट्स में हैं। अगर कुछ कम या ज़्यादा लगे तो आप इसे लिख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोरियोलिस प्रभाव किस प्रकार पवनों की दिशा को प्रभावित करता है? पवनें जो होती हैं वो सदैव एक समदाब रेखाओं के आर पार उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर ही नहीं चलती, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण विक्षेपित भी हो जाती हैं। पवनों के इस विक्षेपण को ही कोरियोलिस बल या प्रभाव कहते हैं, यानी कि इनके अंदर जो अनियमितता होती है कि ये पवनें एक ही समान दिशा एक ही समान वेग में हमेशा नहीं चलती, इनके में कोई घूर्णन होता है जिसके कारण ये विक्षेपित होती हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। इस बल के प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। कोरियोलिस बल का प्रभाव विषुवत वृत्त पर शून्य तथा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इस विक्षेप को फेरेल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अतः इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। फेरेल का नियम क्या है कि ये जो पवनें हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण विक्षेपित हो जाती हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि फेरेल का नियम किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे वायु के प्रवाह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो पवनें तीन प्रकार की होती हैं, हमने कल लिखा था लेकिन शॉर्ट में लिखा था, भूमंडलीय पवनें हैं, स्थानीय पवनें हैं तथा प्रक्षेपित पवनें हैं। तो भूमंडलीय जो पवनें हैं ये पृथ्वी से विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवनें होती हैं। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं या समझ सकते हैं कि एक ही दिशा में जो पवनें चलती हैं उन्हें भूमंडलीय पवनें कहते हैं। ये उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर नियमित रूप से चलती रहती हैं। ये भी तीन प्रकार की होती हैं, सन्माग्री, व्यापारिक तथा पछुआ या फिर ध्रुवीय पवनें। तो आइए आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है पवनों के प्रकार। तो सामयिक पवनें, इसमें हम जानेंगे ये वे पवनें होती हैं जो ऋतु या मौसम के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तित करती हैं, उन्हें सामयिक पवनें कहते हैं। मानसूनी पवनें इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तीसरा है स्थानीय पवनें, ये पवनें भूतल के गर्म व ठंडे होने की भिन्नता से पैदा होती हैं, ये स्थानीय रूप से सीमित क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। स्थल समीर, समुद्र समीर, लू, फोन, चिनूक, मिस्ट्रल आदि ऐसी ही स्थानीय पवनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसूनी पवनें किसे कहते हैं तथा इसकी तीन विशेषताएं बताइए। तो देखिए, मानसूनी पवनें अरबी भाषा के मौसीम शब्द से बने हैं जिसका अर्थ है ऋतु। अतः मानसूनी पवनें वे पवनें हैं जिनकी दिशा मौसम के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है। ये पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 माह में समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु के 6 माह में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। इन पवनों को 2 वर्गों ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन मानसून में बांटा जाता है। ये पवनें भारतीय उपमहाद्वीप में चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थल समीर व समुद्र समीर में आगे। तो स्थल समीर क्या होता है, ये पवनें रात के समय समुद्र की ओर चलती हैं तो उन्हें हम कहते हैं स्थल समीर, क्योंकि रात के समय स्थल जो है वो शीघ्र ठंडा हो जाता है तथा समुद्र देर से ठंडा होता है, जिसके कारण समुद्र पर निम्न वायु दाब का जो क्षेत्र है वो विकसित हो जाता है। समुद्र समीर क्या होता है, ये पवनें दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर चलती है, क्योंकि दिन के समय सूर्य चमकता है तो जो स्थल है उसकी अपेक्षा समुद्र जल्दी गर्म हो जाता है, जिसके कारण निम्न वायु दाब का जो क्षेत्र है वो स्थल पर विकसित होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, पर्वत समीर व घाटी समीर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पर्वत समीर या घाटी समीर क्या होता है, दिन के समय शांत स्वच्छ मौसम में वनस्पतिहीन सूर्यभिमुख ढाल तेजी से गर्म हो जाते हैं और इनके संपर्क में आने वाली वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए घाटी से वायु ऊपर की ओर चल पड़ती है। तो
तो इसे ही हम क्या कहते हैं, घाटी समीर कहते हैं। दिन में 2 बजे इनकी गति जो है वो बहुत तेज होती है तथा कभी कभी इन पवनों के कारण बादल बन जाते हैं और पर्वतीय ढालों पर भी वर्षा होने लगती है। नेक्स्ट है आपका पर्वत समीर। रात के समय पर्वतीय ढालों की वायु पार्थिव विकिरण के कारण ठंडी और भारी होकर घाटी में नीचे उतरने लगती है। इससे जो घाटी का तापमान है वो सूर्योदय के कुछ पहले तक काफ़ी कम हो जाता है, जिससे तापमान का व्युत्क्रमण हो जाता है। सूर्योदय के कुछ पहले इनकी गति बहुत तेज होती है। ये जो समीर होते हैं ये शुष्क होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका चक्रवात एवं प्रति चक्रवात में अंतर बताइए। तो चक्रवात क्या होता है? जब किसी क्षेत्र में निम्न वायुदाब स्थापित हो जाता है और उसके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है तो जो पवनें हैं वो निम्न दाब की ओर आकर्षित होती हैं एवं पवनों की वो जो पवन है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत और अनुरूप घूमकर चलती हैं, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। और प्रति चक्रवात क्या होता है? इस प्रणाली में केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, अतः केंद्र से जो पवन है वो चारों ओर निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। इसमें पवनें जो हैं वो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुइयों के अनुरूप प्रतिकूल दिशा में चलती हैं। ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं, इन्हें आप बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। वाताग्र किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा में जो क्षेत्र होता है उसे ही हम वाताग्र कहते हैं। ठीक है, जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती हैं तो उनके बीच में मध्य में जो भी क्षेत्र बनता है उसे वाताग्र कहते हैं। वाताग्र जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र। कितने वाताग्र हुए? शीत वाताग्र, अचर वाताग्र, उष्ण वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र। तो अभी हम आपका लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल हम इसका पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो आप इसे पूछ सकते हैं। और देखते रहिए, ऐसे ही मोटिवेट होकर पढ़ते रहिए, नोट्स अच्छे से बना लीजिए, फिर हम इसके आगे का चैप्टर शुरू करेंगे। पहले हम इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।